प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेट के बारे में। सो लेट क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, कैसे आप इससे कोई सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। सो लेट स्टार्ट। लेट का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इंडिकेट क्या करता है। ये इंडिकेट करता है किसी काम को होने देना या करने देने को। जब भी आप किसी को परमिशन दे रहे हो या किसी को अलाउ करते हो किसी काम के लिए, वहां पे आप लेट का यूज करोगे। और ये अपनी बात को खत्म करता है हिंदी वर्जन में ने दो। जब भी आपकी बात खत्म होती है ने दो से, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं। अगर हम सब्जेक्ट भी हाफ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सो लेट सब्जेक्ट वर्किंग फॉर फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, बट इट्स नॉट अ करेक्ट स्ट्रक्चर। ऐसा अगर हम करते हैं तो वो ग्रामेटिकली ऐसा मे बी हो सकता है, बट हम जब भी लेट सी सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट यूज ना करके ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी अपना प्रोनाउन यूज करते हैं। तो सही और करेक्ट होगा वो होता है लेट ऑब्जेक्ट वर्किंग फर्स्ट फॉर्म एंड अदर्स, क्योंकि लेट में सब्जेक्ट नाउन का यूज नहीं करते, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते। मैंने आपको बताया था हम जब भी लेट से सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट यूज नहीं करके ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और सब्जेक्ट हमारी जैसे आई ही शी यू वी दी, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब लेट से सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट, आई होगा तो हम मी, ही होगा तो हिम, शी का हर, यू का यू, यू का यू ही रहता है, वी का अस एंड दे का देम, हम इनको यूज करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लेट से सेंटेंस बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे ये होते हैं यानी कि हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव नाउन है और ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब भी आप लेट सेंटेंस में आई वी यू दे बोल रहे हो तो वहां पे हम आई वी यू दे नहीं लिखेंगे, वहां पे हम मी हिम हर यू इसको यूज करेंगे सेंटेंस बनाने में। सो लेट से सेंटेंस कैसे बना लेगा, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेट हिम गो, उसको जाने दो। लेट अस गो टू होम, हमें घर जाने दो। लेट मी लेट हर प्ले इन द पार्क, उसको पार्क में खेलने दो। लेट अस ड्राइव, हमें ड्राइव करने दो। लेट देम कम हियर, उन्हें यहाँ आने दो। हम सारी बात ने दो, काम करने दो, जाने दो, आने दो पे खत्म कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, कि जब भी आप अपनी बात को हिंदी वर्जन में खत्म करेंगे ने दो से, तो वहां हम लेट का यूज करेंगे। और सेंटेंस डिस्कस करते हैं, जैसे आप बोलोगे मुझे पढ़ने दो तो कैसे बोलोगे, लेट मी रीड, ठीक है, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी टीच, हमें जाने दो। लेट अस गो, उन्हें यहाँ आने दो। लेट अस कम हेयर, उन्हें वहां जाने दो। लेट अस गो देयर, सारी बात में आप ने दो का वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप लेट का यूज कर रहे हैं। लेट होता है कि किसी को किसी काम को करने देने के लिए अलाउ करना, और यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं, जो भी काम है उसमें हम उनको अलाउ कर रहे हैं। आप ये करो, यहाँ पर आओ, वहां पर जाओ, दैट मीन्स अलाउ। सो शो इज द लेट, जब भी आप किसी काम को शो करेंगे तो वहां पे आप लेट का यूज करेंगे। और भी सेंटेंस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अपनी जितनी भी बात आप ने दो पे खत्म करेंगे वहां पे आप लेट का यूज करेंगे। जो लेट से सेंटेंस बनाए थे वो अफर्मेटिव वे में बनाए थे। ये सेंटेंस आप जब निगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले डो नॉट, देन लेट, ऑब्जेक्ट वर्किंग फर्स्ट फॉर्म एंड अदर्स। लेट से पहले हम डो नॉट का यूज करेंगे। मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बट यहाँ पे हम लेट से पहले डू नॉट। अब आप सोचेंगे कि मैंने नॉट जो नेगेटिव है बट डू क्यों लगाया है, तो डू यहाँ पे इसलिए लगाया है, हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा हमारा यू होता है। हम बनाते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन सेंटेंस में वो कभी शो नहीं होता, और सब्जेक्ट वो हमारा यू होता है। जैसे हम बोलते हैं मुझे जाने दो, यानी कि हम किसी से कह रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं कि तुम मुझे जाने दो, उसे आने दो, यानी कि तुम उसे आने दो। तुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, डज का यूज नहीं होता। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम सभी के साथ, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर वे में है या प्लुरल वे में है, हम डू का यूज करेंगे। डो नॉट लेट ऑब्जेक्ट वर्क इन फर्स्ट फॉर्म एंड अदर्स। सो आप नेगेटिव फॉर्म में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, डो नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। डो नॉट लेट अस स्लीप, हमें मत सोने दो। डो नॉट लेट हर कुक फूड,
उसको खाना खाना बनाने मत दो. डू नॉट लेट हिम बाय अ कार, उसको कार खरीदने मत दो. डू नॉट, आप रिटर्न में लिख रहे हैं लेकिन मोस्टली क्या होता है, डू नॉट को शॉर्ट में जब बोलते हैं तो हम डोंट बोलते हैं. आप चाहें तो डोंट भी लिख सकते हैं डू नॉट की जगह पे. डोंट लेट, डोंट लेट अस, डोंट लेट हर एंड द ग्लोट लेट हिम. डू नॉट को आप डोंट भी कर सकते हो. और हमेशा डू इसलिए आता है क्योंकि हम यू को डेडिकेट करते हैं. सो आई होप आपको लेट का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि लेट से आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे आपको इसको सेंटेंस क्रिएट करने में इससे हेल्प मिल सकती है. सो इसके प्रॉपर एक फॉर्मेट था, एक रूल्स था, अगर आप इसको फॉलो करते हैं एक्यूरेटली, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर इसको समझ में आएगा कि लेट का यूज हम कैसे करते हैं. सो टुडे इज द वीडियो ऑफ द लेट. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. आज हमने इस वीडियो में लेट के बारे में पढ़ा. आई होप आपको लेट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. और आपको जो भी डाउट है इस वीडियो को लेकर, आप प्लीज अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं उस पर, और अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ और रिकवर करना है देन आई विल डेफिनेटली डूइंग इट. इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.